एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 जो एक अंग्रेज भाई ने गाड़ी जो पास है सरकार खट्टर सरकार किसानों की विरोधी सरकार है, किसानों पर दमनकारी नीति अपनाती है, किसानों की फसल जो बिक्री का समय आता है मंडियों में अड़चन पैदा करती है। आज हम सब किसानों के हक के अंदर खट्टर सरकार का ये जो किसान विरोधी चेहरा बेनकाब करने के लिए करनाल के अंदर आए हैं और इनका घेराव करने के लिए आए हैं। हाँ बोलो सुशील जी, एक बात तो हमें बताइए कि मुख्यमंत्री तो देखो आए नहीं, लेकिन आपने बड़े चातुर्यपूर्ण ढंग से भाई साहब ये जो दबाव बना करके बैरिकेड्स को तोड़ करके दूसरी तरफ दबाव बना करके आपने अपनी रणनीति के तहत अंदर आ गए आप। देखिए रणनीति क्या है, हम तो बाहर भी बैठने के लिए तैयार हैं, खट्टर साहब के घर में बैठने के लिए भी तैयार है। खट्टर भाग क्यों गए? खट्टर को यहाँ पर रहना चाहिए था। जब खट्टर को एडवांस में एक हफ्ते पहले बता दिया गया कि हम घेराव करने के लिए आ रहे हैं, आपके घर पर आ रहे हैं, चंडीगढ़ वो जाने नहीं देते, यहाँ पर मिलते नहीं है, तो पब्लिक से कोई वास्ता नहीं रखते क्या खट्टर साहब? आपका मेन मुद्दा क्या है सर? हमारा मुद्दा है कि किसानों को MSP मिलनी चाहिए और वो बिल के अंदर लिखी जाना चाहिए।